असल कम आप देख रहे हैं मेरा यूरोप चैनल PSL आटो एडिशन शुरू हो गया और ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी थी और जिस तरह एक डेजलिंग फायरवर्क्स थी और हर प्लेयर्स ने क्रिकेटर्स ने एंजॉय किया इस मोमेंट्स को और मैच भी इतना ज़बरदस्त हुआ है। लॉर्ड कलंदर्स 1/1 रन और टॉस जीता था मुल्तान ने और फील्डिंग की थी और जिस एटीट्यूड के साथ उन्होंने बॉलिंग किया फिर की कमाल की बॉलिंग थी। और अगर फिर के 10-15 रन शॉर्ट था इस पिच पे लॉर्ड कलंदर्स, लेकिन फिर भी 175 इज मतलब गुड टोटल और उन्होंने डिफेंड करके दिखाया। और अगर बात की जाए लॉर्ड कलंदर्स की तो फखर जमान और ताहिर बेग ने एक ज़बरदस्त ओपनिंग स्टार्ट ओपनिंग इनिंग का आगाज़ किया था और एक ज़बरदस्त स्टार्ट लेके दिया था अपनी टीम को। और मिडल ऑफ द इनिंग था कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने बॉलिंग किया फिल की कमाल की बॉलिंग थी। और आई फिल के अच्छी बात यह थी कि जिस एटीट्यूड के साथ बॉलिंग हो रही थी और पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे क्योंकि एहसान अल्लाह एक ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे और उनको हेल्प मिल रहा था हाइट का फैक्टर था उनके पास और अच्छी लाइन अलग के साथ उन्होंने बॉलिंग की है। दो विकेट लिए उसामा मियां ने, दो विकेट लिए और शाह नवाजदानी ने दिया जिस तरह आके आखिरी मिड ऑफ इनिंग खान की बॉलिंग किया फिर के थोड़ा एक्सपेंसिव थे लेकिन अच्छी बॉलिंग थी। और अगर लॉर्ड कलंदर्स की बैटिंग की बात की जाए तो आई फील के मिड ऑफ द जो खास करके मिडल ऑर्डर था वो कलेप्स हुआ और लेकिन फिर भी अच्छी कैमियोज खेल दी और 176 तक ले गए। और सिकंदर अजहर ने अच्छी बैटिंग की है, उसके बाद डेविड वीसा ने थोड़े अपील किए उनको भी आखिरी ओवर मिला लेकिन उनको ऊपर आना चाहिए था क्योंकि हुसैन तलत उस तरह पावर हिट नहीं कर सकते जिस तरह डेविड वीसा कर सकते थे, लेकिन फिर भी फिल के अच्छी बैटिंग थी उनके पास और पावर हिटर उनके पास अच्छे थे लेकिन उन्होंने सही यूटिलाइज नहीं किया। 175 की जगह आप 180-190 तक कर सकते थे अगर आप बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट करते, लेकिन ये चीज़ें चेंजेस होती रहेंगी आते आते जितने मैच खेलेंगे। अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो आई फिल के शाह मसूद 35, रिजवान ने 75 किए हैं, 25 डेविड मिलर ने, उसके बाद कैरन पोलार्ड कुछ दिन ने 12 रन किए। यहाँ पे मुझे थोड़ा समझ लगी कि जब आपको पता है कि आपको पावर हिटर चाहिए और आपको रन ज़्यादा है और बॉलर कम है आपके पास, आपने बैटिंग ऑर्डर स्वाप क्यों नहीं किया। और अनफॉर्चुनेट था क्योंकि इतना अच्छा मैच उन्होंने अपने पास ले गए थे मुल्तान सुल्तान वाले, लेकिन जिस तरह बॉलिंग किया फिर के लॉर्ड कलंदर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, शहीन शाह थे, हारिस थे, जमान खान था, हुसैन तल्ला था, लियाम डॉसन था, डेविड वीसा था, बल्कि इनके पास पावर है बॉलिंग की। और लेकिन जिस तरह रिजवान की इनिंग्स थी उसके बाद शाह मसूद की ओपनिंग साथ पार्टनरशिप लगी थी, यहाँ पे मैच कंट्रोल किया था मुल्तान सुल्तान ने, लेकिन जिस तरह कम बैक किया है लॉर्ड कलंदर्स ने, क्रूशियल मोमेंट्स में यहाँ पे विकेट्स लिए हैं और इस मैच को उन्होंने स्टार को डिफेंड किया, मैच जीता है। और ओपनिंग का पहला मैच हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए क्योंकि मोमेंटम बन जाती है, लेकिन यहाँ पे मुल्तान सुल्तान ने पूरी मोमेंटम क्रिएट की हुई थी लेकिन अपनी विकेट्स गलत जगह दी उन्होंने दी और ये मैच हार गए। और आईपीएल के मज़ा आ गया है पहला मैच क्योंकि जितनी ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी हुई इतना ज़बरदस्त मैच हुआ है और टिकट का हर फैंस ने पूरा फ़ायदा उठाया है क्योंकि अगर यहाँ पर मज़ा नहीं आता मैच वन साइडेड होता तो शायद फैंस एंजॉय नहीं करते, लेकिन टिकट का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और एक ज़बरदस्त मैच उन्होंने देखा है। और आईपीएल के ओवरऑल देखा जाए तो शुरू में यही करते हैं कि आप अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं कि किस कौन कौन सी चीज़ हमारे फायदे जा रही है कौन कौन सी नहीं जा रही है। और आई फील के ओवरऑल ये सीज़न अभी भी शुरू हुआ है और आते आते खुद होपफुली इंशाल्लाह ये अच्छे मैचेस होंगे। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।